हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम है पायल और आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ चार तरह की टोस्ट रेसिपीज जो कि फटाफट से बन जाती हैं, बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता। बच्चों को, बड़ों को, सबको ये बहुत पसंद आएंगी। शाम को हल्की फुल्की भूख में आप इसे बना सकते हैं, सुबह नाश्ते में आप इसे बना सकते हैं, बच्चों को टिफिन में भी दे सकते हैं। तो चलिए फिर हम शुरुआत करते हैं आलू टोस्ट के साथ में। यहाँ हमने बोल ले लिया है और इसमें हम डाल रहे हैं आलू। दो आलू लिए हैं मैंने, अच्छे से इन्हें बॉयल किया, छील लिया और मैश कर दिया। अब आलू में हम मिक्स करने वाले हैं हरी मिर्ची। एक हरी मिर्ची ली है मैंने, इसके साथ ही एक कटा हुआ प्याज भी हम इसमें डाल देंगे। अब हम इसमें मसाले डालेंगे। सबसे पहले डाल देंगे नमक स्वाद के अनुसार, आधा चम्मच लाल मिर्च पाउडर डाल देंगे और खटाई के लिए मैं इसमें डाल रही हूँ चाट मसाला एक चम्मच, और हम इसमें डालने वाले हैं हरे धनिया की चटनी एक चम्मच, ताकि इसे मैं और तीखा कर सकूँ। अब हम सारी चीज़ों को अच्छे तरीके से मिक्स कर देंगे। इसे बनाना बहुत आसान है और ये बहुत टेस्टी लगता है। आप इसे एक बार मेरे कहने पर ज़रूर से ट्राई कीजिएगा, आपको ज़रूर पसंद आएगा। सारी चीज़ें अच्छे से मिक्स हो गई हैं, अब हम इसे साइड में रख देंगे। यहाँ मैंने एक ब्रेड ले ली है और ब्रेड के ऊपर अब हम लगाएंगे बटर। मैंने वाइट ब्रेड ली है, आप चाहें तो ब्राउन ब्रेड भी ले सकते हैं। अच्छे से हम ब्रेड पर बटर अप्लाई करेंगे और उसके बाद हम इस पर डालेंगे हरे धनिया की चटनी एक चम्मच, और इसे भी हम अच्छे से स्प्रेड कर देंगे। अगर आपको तीखा ज़्यादा पसंद नहीं है तो आप हरे धनिया की चटनी की जगह केचप भी डाल सकते हैं। इसके बाद मैं इसमें डाल रही हूँ आलू का मिक्सचर जो हमने पहले ही तैयार करके रखा था। आलू के मिक्सचर को अच्छे से हम ब्रेड के ऊपर स्प्रेड करेंगे और उसके बाद इसे थोड़ा थोड़ा सा हम प्रेस भी करते रहेंगे ताकि ये अच्छे से लेवल हो जाए। अब हमने यहाँ पर तवा ले लिया है, तवे को गरम कर दिया है और इस पर हम बटर लगाएंगे। फ्लेम जो है वो लो से मीडियम के बीच में रहेगा। अब जिस तरफ हमने आलू का मिक्सचर लगाया है, सबसे पहले हम उस तरफ को अच्छे से सेक लेंगे। लगभग 3 से 4 मिनट का समय लगेगा। 3 से 4 मिनट के बाद हम इसे पलट देंगे। दूसरी तरफ से भी हम 3 से 4 मिनट के लिए लो मीडियम फ्लेम पर अच्छे से इसे सेकने देंगे ताकि एकदम गोल्डन और क्रिस्पी हो जाए, एकदम क्रंच आना चाहिए इसमें। ये देखिए 3 से 4 मिनट के बाद दूसरा साइड भी अच्छे से सिक कर एकदम तैयार हो गया है। आप देख सकते हैं दोनों साइड अच्छे से सिक चुके हैं। तो चलिए, हमारा टोस्ट तो सिक कर तैयार है, अब हम आगे बढ़ते हैं। अब इस टोस्ट के ऊपर मैं लगाने जा रही हूँ डेट एंड टैमरिंड चटनी, यानी कि खजूर और इमली की चटनी इस टोस्ट का, ताकि एकदम खट्टा मीठा सा टेस्ट आए, बहुत बढ़िया लगेगा। चटनी लगाने के बाद मैं इसे बीच में से इस तरीके से काट दूंगी ताकि हम बाकी की चीज़ें भी अच्छे से रख सकें। उसके बाद मैंने इसके ऊपर डाला है कटा हुआ प्याज, इसके साथ ही कटा हुआ टमाटर, थोड़ी सी धनिया की पत्तियां, एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, एक क्रंच के लिए हम इसमें डाल देंगे भुजिया यानी कि सेव। आप चाहें तो जो पतले वाले सेव होते हैं जो हम चाट वगैरह में डालते हैं, वो भी आप इसमें डाल सकते हैं। तो ये लीजिए, हमारा क्रिस्पी क्रंची आलू टोस्ट बनकर एकदम तैयार है। हमारी अगली रेसिपी है चीजी क्रंची डबल डेकर गार्लिक ब्रेड। यहाँ हमने ले लिया है लहसुन, 8 से 10 कलियां लहसुन की है और लहसुन को हम लोग कूट लेंगे। लहसुन को पीसिएगा मत, कूटिएगा, ज़्यादा अच्छा टेस्ट आएगा। ये देखिए, लहसुन कूट कर एकदम तैयार कर लिया है हमने। अब इसे हम साइड में रख देंगे और फिर हम आगे बढ़ते हैं। बोल में हम ले लेंगे बटर, ये सॉफ्ट बटर है, यानी कि बटर को हमने फ्रिज में से आधे घंटे पहले बाहर निकाल के रख दिया था। इसमें हम मिक्स करेंगे लहसुन जो हमने कूट के रखा है और उसके साथ ही आधा चम्मच रेड चिली फ्लेक्स का। इन सारी चीज़ों को हम अच्छे तरीके से मिक्स कर देंगे। जैसे ये सारी चीज़ें मिक्स हो जाएगी, मैं इसमें चुटकी भर नमक डाल रही हूँ। वैसे आप पहले भी डाल सकते हैं नमक, लेकिन मैं भूल गई थी इसलिए मैं अभी डाल रही हूँ। ज़्यादा नमक मत डालिएगा क्योंकि बटर में भी नमक होता है। सारी चीज़ों को हम अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। ये हमारा गार्लिक बटर तैयार हो गया है, इसे साइड में रख देंगे। यहाँ हम ले लेंगे एक ब्रेड और ब्रेड पर जो बटर हमने तैयार किया है गार्लिक बटर, उसे बहुत अच्छे तरीके से इस पूरी ब्रेड पर हम लोग स्प्रेड कर देंगे। आप चाहें तो वाइट ब्रेड की जगह ब्राउन ब्रेड भी ले सकते हैं, मैंने यहाँ पर वाइट ब्रेड लिया है। ब्रेड को अब हम पलट देंगे और ब्रेड की दूसरी तरफ भी हम सेम जो बटर हमने तैयार किया है गार्लिक बटर, उसे हम अच्छे तरीके से स्प्रेड कर देंगे।
अब इसके ऊपर हम डाल देंगे चीज़, ग्रेट किया हुआ चीज़ है, मोज़रेला चीज़ है, अच्छे से चीज़ को हम इसके ऊपर डाल देंगे। उसके बाद थोड़े से चिली फ्लेक्स हम और स्प्रिंकल कर देंगे। इस ब्रेड को साइड में रख देंगे और अब हम दूसरी ब्रेड ले लेंगे और दूसरी ब्रेड को भी हम इसी तरीके से तैयार कर लेंगे। यानी कि सबसे पहले हम लोग लगाएंगे गार्लिक बटर जो हमने तैयार करके रखा था। इसके बाद हम ब्रेड को पलट देंगे और दूसरी तरफ से दोबारा से वही बटर हम लोग लगा लेंगे और अच्छे से स्प्रेड कर देंगे। ये जो डबल डेकर वाला सैंडविच है ये बहुत टेस्टी लगता है। नॉर्मली आपने गार्लिक ब्रेड खाया होगा, बट ये वाला आप एक बार ज़रूर से ट्राई कीजिएगा। पूरा सेम प्रोसेस मैं रिपीट कर रही हूँ। दोनों तरफ ब्रेड के बटर लगाने के बाद में चीज़ डाला है ग्रेट किया हुआ, स्प्रिंकल किया है चिली फ्लेक्स, और जो पहली वाली ब्रेड थी वो रख दी हमने उसके ऊपर, और पूरा सैंडविच उठाकर हमने रख दिया है तवे के ऊपर। फ्लेम रहेगा एकदम लो पर, ढककर पकाइए जब तक चीज मेल्ट नहीं हो जाता। और ये देखिए जी, आहा, चीज बढ़िया तरीके से मेल्ट हो गया है। 3 से 4 मिनट का टाइम लगता है, लो फ्लेम पर पकाइएगा, बस इतना ध्यान रखना है। चलिए तो अब हम इसे काट लेते हैं और काट कर आपको दिखा देते हैं। ये काफी क्रिस्पी है, अंदर से नीचे से काफी क्रिस्पी इसका लेयर है, और चीज़ी तो ये है ही। कितना चीज़ी है ये आप खुद ही देख लीजिए। आहा, दिखने में ही ये इतना सुंदर लग रहा है, खाने में ये बहुत अच्छा लगता है। आप इसे ज़रूर से ट्राई कीजिएगा। हमारी अगली रेसिपी है ब्रेड बेसन टोस्ट की। यहाँ हमने एक बोल ले लिया है और उसमें हम बेसन डालेंगे। 1 कप बेसन का मैंने यहाँ इस्तेमाल किया है। अब इसमें हम वेजिटेबल्स डालेंगे। सबसे पहले एक कटा हुआ प्याज, आधी कटी हुई शिमला मिर्च, एक कटा हुआ टमाटर, ये छोटे साइज़ का टमाटर लिया है मैंने, 2 कटी हुई हरी मिर्चें, और साथ ही डालेंगे थोड़ी सी धनिया पत्ती। मसालों में हम इसमें डालेंगे आधा चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, मिर्ची आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं, स्वाद के अनुसार नमक, और खटाई के लिए हमने यहाँ पर डाला है 1 चम्मच आमचूर पाउडर, ये बहुत अच्छा टेस्ट देता है इसमें। अब इन सारी चीज़ों को हम अच्छे तरीके से एक बार मिक्स कर देंगे। जैसे ही सारी चीज़ें अच्छे से मिक्स हो जाएगी, हम इसमें डालेंगे थोड़ा थोड़ा सा पानी, क्योंकि हमें इसका एक बैटर तैयार करना है। थोड़ा थोड़ा सा पानी डालेंगे और सारी चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स करके इसका एक बैटर तैयार कर लेंगे। आपको बस इतना याद रखना है कि ये जो बैटर है ये बहुत ज़्यादा गाढ़ा या बहुत ज़्यादा पतला नहीं होना चाहिए। इसकी जो कंसिस्टेंसी है वो मीडियम होनी चाहिए। ये आप देख सकते हैं, बैटर जो है एकदम तैयार है। अब हम तवे को गरम कर लेते हैं, आगे का प्रोसेस करते हैं। जब तवा गरम हो जाएगा, फ्लेम को लो से मीडियम पर कर देंगे और उसके ऊपर थोड़ा सा तेल या घी, जो भी आपको ठीक लगे वो हम डाल देंगे। अब बैटर के अंदर हम ब्रेड को इस तरीके से डिप कर देंगे ताकि जो बेसन है और जो सब्जियां हैं वो उसके ऊपर अच्छे से कोट हो जाए, और उसे तवे पर हम डाल देंगे। लो से मीडियम फ्लेम पर लगभग 3 से 4 मिनट के लिए हमें इसे अच्छे से सेकना है। उसके बाद ऊपर भी हम इस पर थोड़ा सा घी या तेल डालेंगे, साथ ही साइड्स में भी डालेंगे ताकि जब हम इसे पलटें तब ये चिपके ना। याद रखिएगा, लो से मीडियम फ्लेम पर 3-4 मिनट के लिए इसे पकाना है, और उसके बाद हम इसे पलट देंगे और दूसरी तरफ से हम इसे सेकेंगे। इसे ध्यान से पलटें और अच्छे से इसे प्रेस कर दें। ये देखिए, आप देख सकते हैं कितना अच्छा गोल्डन और क्रिस्प हो गया है। 3 से 4 मिनट के बाद हम इसे दोबारा पलट देंगे और दूसरी तरफ से भी आप देख सकते हैं कि ये काफ़ी अच्छा सिककर तैयार हो गया है। तो तैयार है हमारा ब्रेड बेसन टोस्ट। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और बनाते हैं डबल डेकर पिज्ज़ा टोस्ट। मैंने एक बोल ले लिया है, उसमें डालेंगे 1 कटा हुआ प्याज, इसके साथ ही 1 कटा हुआ टमाटर, शिमला मिर्च काट कर ले लेंगे, आधी कटी हुई शिमला मिर्ची है ये, और इसके साथ ही मैंने कॉर्न्स ले लिए हैं, बॉयल किए हुए कॉर्न्स हैं ये। इसमें हम डालेंगे स्वाद के अनुसार नमक। नमक के साथ मैं इसमें काली मिर्ची का पाउडर डाल रही हूँ लगभग आधा चम्मच, और आधा चम्मच रेड चिली फ्लेक्स हम डालेंगे। थोड़ी सी इसको क्रीमीनेस देने के लिए मैं इसमें 2 चम्मच मेयोनीज के डाल रही हूँ, और साथ ही ग्रेट किया हुआ मोज़रेला चीज़ हम इसमें डालेंगे। सारी चीज़ों को अच्छे से हम मिक्स कर देंगे। आप चाहें तो इसमें अपनी पसंद की सब्जियाँ भी डाल सकते हैं।
जैसे ही सारी चीज़ें अच्छे से मिक्स हो जाएंगी, हमारी टॉपिंग तैयार हो जाएगी, इसे हम साइड में रख देंगे। यहाँ हमने एक ब्रेड ले ली है और ब्रेड पर हम बटर अच्छे से स्प्रेड कर देंगे। मैंने वाइट ब्रेड लिया है, आप अपने हिसाब से ब्राउन ब्रेड भी ले सकते हैं। बटर के बाद हम इसमें डालेंगे टोमेटो केचप। केचप को भी हम अच्छे तरीके से स्प्रेड करेंगे। टोमेटो केचप की जगह आप पिज्ज़ा सॉस भी ले सकते हैं। इसके बाद जो टॉपिंग हमने तैयार की थी, जो फिलिंग हमने तैयार किया है, वो हम इसमें डाल देंगे और इसे अच्छे से स्प्रेड करेंगे। टॉपिंग को डालते जाएंगे और प्रेस करते जाएंगे ताकि वो बाहर ना निकले। अच्छे से प्रेस करने के बाद, टॉपिंग को अच्छे से लगाने के बाद, हम इसके ऊपर डालेंगे चीज़। ग्रेट किया हुआ मोज़रेला चीज़ है, आप चाहें तो प्रोसेस चीज़ भी ले सकते हैं। ऊपर से मैं स्प्रिंकल कर रही हूँ रेड चिली फ्लेक्स और साथ ही ऑरिगेनो। आप चाहें तो आपके पास अगर और भी इटालियन हर्ब्स हों तो वो भी इसमें आप डाल सकते हैं। एक ब्रेड हमारी तैयार हो चुकी है, इसे हम साइड में रख देते हैं और इसी तरीके से एक ब्रेड मैं और ले लूँगी और सेम प्रोसेस को मैं रिपीट करूँगी। सबसे पहले हम लगाएंगे बटर, बटर के बाद हम इसमें लगा देंगे टोमेटो केचप। टोमेटो केचप के साथ ही हम लगा देंगे इसमें, मतलब डाल देंगे इसमें टॉपिंग जो हमने पहले ही प्रिपेयर करके रखी थी। इस टॉपिंग में आप अपनी पसंद की कोई भी सब्जी यूज कर सकते हैं, जो भी आप अपने बच्चों को खिलाना चाहें। टॉपिंग के बाद में हम इसके ऊपर डाल देंगे ग्रेट किया हुआ चीज़, थोड़ा सा चिली फ्लेक्स स्प्रिंकल कर देंगे और इसके साथ ही ऑरिगेनो भी डाल देंगे। हमारी दूसरी ब्रेड भी तैयार हो गई है। अब जो हमारी पहली ब्रेड थी, हम उसे उठाएंगे और दूसरी वाली के ऊपर रख देंगे। तो देखा, हो गया ना डबल डेकर। अब हमने यहाँ पर ले लिया है तवा, तवे पे लगाएंगे बटर, फ्लेम रहेगा एकदम लो पर। अब जो हमने ब्रेड तैयार किया है वो हम इसके ऊपर रख देंगे, इसे ढक देंगे और लो फ्लेम पर तब तक पकने देंगे जब तक ये अच्छा क्रिस्पी ना हो जाए और चीज़ मेल्ट ना हो जाए। और देखिए, लगभग 4 से 5 मिनट का टाइम लगा, चीज़ अच्छे से मेल्ट हो गया है और ये एकदम क्रिस्पी हो चुका है। तो चलिए अब हम इसे सर्व करते हैं, लेकिन उससे पहले हम इसे काट लेते हैं। बीच में से मैं इसे इस तरीके से काट रही हूँ, ये बहुत अच्छा लगता है बच्चों को। अगर आपके घर में कोई छोटी मोटी पार्टी है तो भी आप इसे बनाकर गेस्ट के आगे सर्व कर सकते हैं। तो लीजिए हमारा बढ़िया सा ब्रेड पिज्ज़ा सैंडविच बनकर एकदम तैयार है। तो आई होप ये सारी रेसिपीज आपको पसंद आई होंगी। पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ में इसे शेयर कीजिएगा, मेरे चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कीजिएगा और उसके बाद जो बेल आइकन आएगा उसे भी ज़रूर से प्रेस कीजिएगा। जल्द ही मिलेंगे हम अगली रेसिपी के साथ में, तब तक के लिए बाय बाय।